बेमेतरा जिले की समितियों में छाएम खाद की बिक्री से नाराज किसानों ने कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने ज्ञापन सौंपकर छाएम खाद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि इस दौरान किसानों ने अधिकारी को बताया कि समितियों में जबरदस्ती झाइम खाद थमाई जा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला कृषि अधिकारी को बताया कि नोडल कार्यालय जिला सहकारी बैंक बेमेतरा से झाइम खाद की बिक्री को लेकर कोई अंदेशा जारी नहीं हुआ है। बावजूद इसके समितियों के कर्मचारी मनमानी पर उतारू हैं और नियमों को ताक पर रखकर किसानों को झाइम खाद खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। लगातार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्र के किसानों में खासी नाराजगी है। किसान नेता ने यह भी बताया कि कृषि विभाग की ओर से सिर्फ जब्ती की कार्रवाई कर खानापूर्ति की जा रही है, बल्कि जिम्मेदार कर्मियों पर अब तक विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे कृत्य में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों को उच्च स्तर से संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। हम लोग अभी कृषि अधिकारी MD मानकर जी से मिलकर आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटी में अनामक खाद जब्ती किया जा रहा है, जिसमें वो झाइम है। जो खाद किसान अगर डालते हैं तो उसका किसी प्रकार कोई असर नहीं होता, ऐसे बीज के बेचा जाता है सोसाइटियों में, ऐसे खाद दिए जाते हैं, ऐसे दवाइयाँ दी जाती किसानों को, जबरदस्ती लेने के लिए दबाव बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे खादों को जब्ती इन लोगों ने बनाया और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि सोसाइटियों में ऐसा नामक खाद पहुंचा कहां से, किस अधिकारी का मिली भगत है और क्यों अधिक किसानों को दबाव डाला जाता है कि कंपोस्ट खाद इतना लेना जरूरी है, झाइम लेना जरूरी है, जो ऐसे दवाइयाँ हैं जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसे कीटनाशक लेना जरूरी है, बीज लेना जरूरी है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसानों को किसी प्रकार का दबाव ना हो। और सोसाइटियों में आज DAP नहीं है, आज पोटास नहीं है, यूरिया नहीं है। खेती किसानी का समय आ रहा है, आज 15 जून के बाद बारिश होने वाला है, उसके बाद किसान खेती किसानी में जुड़ जाएंगे, उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।